से देखने वालों और कानों से सुनने वालों, मेरी आवाज़ यहाँ तक भी जा रही है। आप सबको मेरा 6.5 फुट लंबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को MS वर्ड में शेप बनाना सिखाई थी, उसमें कलर फिल करना सिखाया था और टेक्स्ट लिखना सिखाया था। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेज किया है कि उनको वो समझ नहीं आया, तो उन्होंने मुझे कहा है कि वही दोबारा समझा दें, तो आज मैं वही दोबारा से समझाऊँगा। तो चलें अब हम MS वर्ड ऑन कर लेते हैं और अपना वीडियो अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा MS वर्ड ऑन हो रहा है, ये हमारा MS वर्ड ऑन हो चुका है। अब हम इस पे बनाएंगे, शेप बनाएंगे। तो ये हमने इंसर्ट पे जाना है, ये एक हमने शेप की ऑप्शन पे गए, हमने ये रेक्टेंगल लिया, उसके बाद हमने ये रेक्टेंगल बनाया। लास्ट टाइम मैंने बस बनाई थी, इसलिए आप लोगों को थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो इस दफ़ा मैं एक घर बनाऊंगा, जिसकी वजह से आप लोगों को समझ भी आ जाएगी, वो थोड़ा मुश्किल था। अच्छा, अब ये देखें, मैं ये सिलेक्ट है, तो अब शेप्स की भी ऑप्शन इधर ही है। शेप फिल, जहाँ से अभी हम शेप इसकी फिल करेंगे, वो भी इधर ही है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं फिलिंग करना। तो इसमें अब मैं कलर करूँगा ब्लू, ब्लू हो गया जी इसमें कलर, ठीक है। अब इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो अब हम इधर जा कर ले सकते हैं। अब ये जो एरोज हैं, इससे ये नीचे ऊपर हो सकता है, और ये जो है इससे, जैसे मैंने आपको इंसर्ट पे जाके सारा ऑन करके दिखाया था, ये वैसे हो जाता है। अब मैं यहाँ से ये रेक्टेंगल ट्रायंगल लूँगा, एक सेकेंड जी, नहीं ले सकता, हाँ जी अब ले लिए मैंने। अब मैं इसको हार्ट बनाऊंगा, ज़्यादातर जगहों पे हार्ट रेड ही होता है, बहुत कम जगहों पे होता है कि हार्ट किसी और कलर का हो। तो ये ना हमने रेड कलर का हार्ट भी बना लिया। अब हम इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पे जाएंगे, फिर हम फ्लो चार्ट में सर्कल होगा, हम वो लेंगे। उसके बाद हमने सर्कल बना लिया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया ताकि सही लगे। उसके बाद हमने येलो कलर कर दिया इस पर, और इस पर बस एक ही चीज़ रहेगी, और वो है दरवाज़ा, जिससे लोग अंदर बैठ जाएंगे, वरना लोग अंदर भी नहीं जा सकेंगे, बाहर भी नहीं आ सकेंगे। ये हम दोबारा शेप पे गए, मजाक कर रहा था, अंदर बाहर कोई भी नहीं जाएगा, ताकि ये सिर्फ एक तस्वीर है। अब अगर ये आप सबसे नीचे तक माउस ले आएंगे शेप बनाते हुए, तो ये ऐसे ही लंबा हो जाएगा पूरा, और फिर आप लोगों को ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। एक सेकंड, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने कलर करना है ब्लैक, ये ब्लैक कलर हो गया इसमें, ये हमारा घर कंप्लीट है। अब मैं आप लोगों को इसके नीचे यहाँ पर पौधे बना के दिखाऊँगा, ताकि आप लोगों को वो भी। अब इसमें दो तरह के बादल होते हैं, इसके लिए हमें बादल चाहिए होगा। इसके यहाँ पे दो तरह के बादल होते हैं, एक ये वाला होता है जो बेसिक शेप्स में होता है, और एक कॉल आउट्स में होता है। कॉल आउट्स में जो होता है वो वाला होता है जो ये कार्टून्स में होता है, वो जिसमें ये कोई भी कुछ सोच रहा होता है तो ऊपर बुलबुले से बने हुए आते हैं, उसके ऊपर एक बादल सा होता है जिसमें वो नज़र आ रहा होता है कि वो क्या सोच रहे हैं, ख्वाब में देख रहे हैं, या फिर क्या वो लिखा हुआ है। लेकिन हमने अभी वो नहीं लेना, उससे नहीं बन सकेगा, वैसे ही हमने ये सिर्फ ये सादा लेने हैं, बेसिक शेप्स पे जाके। उसके बाद हमने ये ऐसे बना दिया, इसको हमने कलर कर देना है फिर डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन कर दिया। अब हमने इसको, अब हमने यहाँ से रेक्टेंगल ले लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे, ये गलती से मेरे से, अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ये ऐसा एक रेक्टेंगल वो स्क्वायर बन जाएगा बस। तो ये मैंने रेक्टेंगल बनाया,
अब यहाँ पे मैं रेड क्यों कर दिया मैंने, एक सेकंड जी, ये मैंने डार्क ब्राउन कर दिया, तो ये हमारा यहाँ पे दराक भी बन गया। अब अगर इस पे हमने सेब या कुछ लगाना है, मैं वैसे सेब लगा देता हूँ, अगर आपने कुछ और लगाना हो, कुछ और लगाया आपने इस पे, ये आपने अगर इस पे फूल बनाने हो, आप फूल भी बना सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को वो भी बना के दिखाऊंगा। इसका हमने सेब का कलर लाल होता है और उससे हम चेंज कर नहीं सकते, तो ये मैंने लाल रंग का सेब बना दिया। अब मैं बादल बना, वो बादल से हम एक फूल बनाएंगे। और फूल अगर हम दरख्त के अंदर अभी मैं बना के दिखाऊंगा तो आप लोगों को छोटा नज़र नहीं आएगा, छोटा होगा वो। तो ये मैंने इस पे रेड कलर फिल कर दिया। और ये हमारा गुलाब का फूल है, इसको फिर हम छोटा भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब हम इस पर टेक्स्ट लिखना सीखेंगे। ये जैसा कि मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था, ये सारे स्टाइल्स होते हैं, लेकिन ये मुझे अच्छे नहीं लगते। इस पे भी ये ज़्यादा सारे होते हैं, तीन एरो जैसे यहाँ पर शेप्स वाले पे आ रहे थे वैसे इस पे भी आते हैं। स्टाइल हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इंसर्ट पे हमेशा जाता हूँ, वर्ड आर्ट पे जाता हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये सारे आ जाते हैं सारे स्टाइल। तो इसमें आप इसके नीचे शेडो देख सकते होंगे, इसके नीचे देख सकते होंगे, और इसके नीचे मैं ये ले लेता हूँ ताकि ये डार्क है और अच्छा भी यही लगेगा और नज़र भी आप लोगों को सही तरह आएगा। तो ये हमने बड़ा कर दिया। हम इसके आगे सिंगल क्लिक करेंगे, बैक स्पेस दबाएंगे ताकि ये बैक हो जाए, तो ये यहाँ पे कर्सर आ जाएगा हमारा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपने लिखना है आप लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ माय ब्यूटीफुल हाउस। माय ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है जी। ये हमने माय ब्यूटीफुल हाउस भी लिख लिया। तो अब हमारी ये पिक्चर तैयार है। अगर आप लोगों ने इस साइड पे भी दरख्त बनाना हो आप बना सकते हैं, नीचे घास बनानी हो आप लोग बना सकते हैं, इधर सन बनाना हो, बादल बनाने हो, आपने जो करना हो कर सकते हैं, ऐसे ही होगा सारा कुछ। तो बहुत आसान था ये। अब जिनको नहीं समझ आई थी उनको भी समझ आ गई होगी, और जिनको समझ आ गई थी उनको और अच्छी समझ आ गई होगी। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करे, और साथ दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करे। और अगर किसी को कुछ समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं ये वीडियो आप लोगों को दोबारा बना दूंगा अगर आप लोग कहोगे। और इसको जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, ताकि और जिसको भी शेयर करें उसे ज़रूर कहें कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं। और अगर ये पिक्चर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। और ये घर में ज़रूर बनाइएगा।